प्रयागराज संगम माघ मेला में श्री जगदीश सेवा संस्थान सेक्टर 5 पर श्री रुद्रचंडी महायज्ञ का आज तीसरे दिन भी आयोजन किया गया। इस आयोजन में महंत सुदामा दास जी महाराज द्वारा किया गया। इसके पश्चात प्रतिदिन भांति आरती कर पूजा अर्चना किया गया। वहीं आवे भक्तगण श्रद्धालुओं को भंडारा के रूप में प्रसाद वितरण किया गया। प्रयागराज से सतीश सोनकर की रिपोर्ट। शुकलाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं रसनलगनं सोयनान्दरेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेवं विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते तिरुवरं स्मरामि लाय मैया की जय। सरस्वती मैया महाराज जी, ये बताएं आज जो ये रुद्राभिषेक का यज्ञ रखा गया है, आज कौन सा दिन है और इसका आगे का प्रयोजन कब तक चलेगा? पहले हम बताएं सभी भक्तों को, सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। तीर्थराज प्रयाग से सभी को आशीर्वाद, अशुभकामनाएं, सभी मनोकामना पूर्ण हो। गंगा नगरी में आए सब लोग गोता लगाएं। और आज ये चंडी महायज्ञ का तीसरा दिवस है और इस उत्तर नवरात्रि के उपलक्ष्य में राघव मिश्रा जी आपको विस्तार से बताएंगे। आचार्य जी, हम लोगों ने इस जगदीश सेवा संस्थान में रुद्रचंडी महायज्ञ का आयोजन किया हुआ है। गुप्त नवरात्रि का पर्व विशेष रूप से साधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तंत्र साधना की दृष्टि से गुप्त नवरात्रि में सप्तशती का पाठ, भगवान शिव की उपासना, हवन आदि करने का बहुत महत्व बताया गया है। और प्रयाग की धरती पर, प्रयाग अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रयाग का मतलब होता है जहाँ प्रथम बार यज्ञ का आयोजन हुआ था। यहाँ यज्ञ करने का बहुत ही विशेष फल बताया गया है। ये यज्ञ कितने दिन चलेगा महाराज? यज्ञ 9 दिन का आयोजन है, नवरात्रि होती है ये। आमतौर पर हम लोग 2 नवरात्रि में पूजा करते हैं, आषाढ़ और माघ मास में विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि का आयोजन किया जाता है। गुप्त नवरात्रि केवल साधकों के लिए बताई गई है, सामान्य लोगों के लिए नहीं है। प्रयागराज में आए हुए जो श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आए उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? माँ भगवती सभी के ऊपर कृपा करें। सभी लोग इस साधना के पर्व में जितना संभव हो सके अधिकतम माँ भगवती का स्मरण करें, प्रार्थना करें। सभी के जीवन में कल्याण आए, आनंद हो, सभी को सौभाग्य प्राप्त हो। अपना पूरा परिचय दें। आशुतोष मिश्र, ज्योतिषाचार्य।